हेलो 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 किचन मम्मी दा में आप सभी का स्वागत है। चलो बारिश इतनी हो रही है और मार्केट से सब्जी लाने में बहुत सोचना पड़ा कि कहाँ जाए, कैसे भीगने का भी डर। तो आज हम बनाएंगे बड़ी स्पंजी और बारिश से बचने के लिए दही इसमें बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, नहीं तो दही से सर्दी खांसी भी हो सकती है, पता है ना। तो हर चीज़ की फोकस रखती हूँ और स्पंजी ने आप देख सकते कितना सॉफ्ट है, अगर इसे ऐसे मैंने दबा दिया तो भी इतना सॉफ्ट है, ये क्रैक भी नहीं हो, इतना मज़े का है। तो चलो आज बना लेते हैं ये रेसिपी, बड़े स्पंजी बड़े जालीदार और जाली तो अरे बाप रे कूट कूट के दिख रहे हैं इसमें। तो आ जाओ बना लेते हैं फटाक से ये मज़े की रेसिपी, वो भी ना दही ना कुछ। तो आ जाओ बस सोडा डालेंगे और ना ही कुछ डालना ही है, तो बस जिस हाँ मेज़रमेंट जरूर ध्यान रखना, आप मेज़रमेंट है तो सब है। तो बस सूजी डाल एक कटोरी, चीनी डाल दी मैंने पिंच ऑफ क्योंकि ये बबल्स डालना है ना अच्छी वाली इसलिए, और नमक डाल दिया। एंड देन इसमें अब जिस बर्तन से हमने सूजी लिया उसी बर्तन से एक कटोरी पानी, पानी ज़्यादा लगेगा ही नहीं क्योंकि मेरी बारीक सूजी अगर जाड़ा है तो 1/4 कप और पानी डालना पड़ेगा आपको बस। तो बस इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया अब 4-5 मिनट और आप देख सकते कितना अच्छे से ये हो गया। बस इसे मैंने लेकिन रखूँगी क्योंकि थोड़ा लिक्विड ही रख रहे और सूजी है तो पानी पी लेगा थोड़ा बहुत जो ज़्यादा है। तो बस एक बाउल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे ढक के मैं रख दूँगी अराउंड 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी रख दो। तो बस इसमें ढक के रख रहे और आप देखना इतना मस्त अच्छा है, दही बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे हम, इतने मज़े के रखेंगे, सर्दियों भी का टेंशन नहीं और खाने में झटपट बन जाने वाली, बारिश हो रही है चटपटा चटपटा तो खाने ही मन नहीं करें। और बच्चों को टिफिन में भी आप देख सकते हैं रेसिपी है ऐसी मस्त वाली है तो टिफिन में भी दो। और एक पैकेट इनो डाल के 30 सेकेंड मैंने इसे मिलाया और आप देख सकते हैं पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, उसमें ऑलरेडी इतनी अच्छी जालीदार बबल्स आने चालू हो गए, इतने अच्छे एक्टिव हो क्योंकि हमने इतनी चीनी डाला, चीनी की वजह से काफ़ी जल्दी एक्टिव हो जाता है और जाली तो अलग दिखने लगता है। ये देखिए डालते ही इसमें जाली दिखना चालू हो गया, इतना मस्त होता है। इसे मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि इनो डाला है, इनो और नमक तो वो जल्दी एक्टिव कर देते। तो बस ये देखिए आप डालते ही इतने कितने सारी जालियाँ दिखने लगी। तो बस इसे मैं कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लूँगी एंड देन ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ड्राई भी हो गया ऊपर और इसकी जाली देख सकते हैं आप कितनी सारी जालियाँ दिख रही है आपको। तो सीक्रेट मैंने बता दिया आपको, थोड़ी सी चीनी डाल दो। और बस अगर मैं आपको इसे पलट के दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे, और हाँ अगर 2 मिनट से 3 मिनट लग सकते हैं आपके तावा के थिकनेस पे, मेरा तावा पतला है तो ये देखिए आप गोल्डन कलर भी कितना अच्छे से आ गया। तो बस इसे मैं अब निकाल लेती हूँ प्लेट में और इसी तरह मैं सारे डोसे अपने तैयार कर रही हूँ, मस्त जालीदार और यकीन माने खाने में तो इतना ही और इतना सॉफ्ट हो लाजवाब बात ही अलग है। और आप इसे टिफिन में नाश्ते में ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर जब कहें तब बना लो, पार्टी शार्टी में बना लो, छोटे मोटे पार्टियाँ जो करते रहते हैं ना किट्टी पार्टी ऐसे बच्चों के लिए। तो बस और देख सकते हैं आप कितना स्पंजी कितना सॉफ्ट है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आती रहे। और हाँ मैंने बहुत सारी बारिश की रेसिपी डाली है, आप मेरे पेज में जाके दे सकते हैं या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर जा सकते जाके देखिए और खाओ पियो मज़े को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।